नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल माँ जगदम्बा फ्लैक्स में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज ये देख लीजिए, ये हमारे सर है मुकुल सर, जो कि इस एरिया के जाने वाले टीचर में से माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक BSSC का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उनके रिगार्डिंग्स ये हमको बैनर बनाने के लिए दोस्तों बोले हैं, ठीक है। इस बैनर का साइज है दोस्तों, ये बैनर का साइज है 5x4x3 फीट का है दोस्तों, ठीक है। हमने तो डिजाइन करके दे दिए हैं, लेकिन इस डिजाइन को किस तरीका से हमने किए हैं दोस्तों, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस तरीका से हमने इस बैनर का डिजाइन किया दोस्तों, ठीक है। हम बार बार चर्चा करें कि फ्लैक्स डिजाइन करने से पहले दोस्तों आपको साइज का मेंशन करना अति आवश्यक है, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे पहले यहाँ जाएंगे और फिर सिलेक्ट करके यहाँ से साइज मेंशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। साइज मेंशन कैसे करेंगे, ये फिट हमें सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ साइज डालेंगे 4x3 फीट, ठीक है। ये डालने के बाद देख लीजिए दोस्तों, ये डालने के बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये कलर हम फिल कर लेंगे, ठीक है। ये ब्लैक कलर है, और भी आपको डार्कनेस चाहिए तो क्या करिएगा, ब्लैक में यहाँ पे डबल क्लिक करना है और सब कलर को क्या करना है दोस्तों, 100-100 कर देना, 100 सियान, 100 मजेंटा, 100 येलो, 100 ब्लैक, ठीक है। और ओके कर देंगे। ये करने के बाद क्या हुआ, आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। बैकग्राउंड तैयार करने के बाद क्या करेंगे, ये आउटलाइन में कुछ बॉर्डर कलर दे देंगे, ठीक है। आउटलाइन के बॉर्डर का कलर दे देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम थिकनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये बढ़ाने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, ये येलो हो गया, इसका और भी थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेंगे, 36 कर लेंगे। जरूरी नहीं येलो देना, ये ग्रीन भी दे सकते हैं आप, ग्रीन कलर राइट। अगर आपको क्या बोलते हैं पेज पे कलर फिल करना है तो लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बॉर्डर में कलर फिल करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक का उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये कर दिए। ये करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये व्हाइट कलर का ये आउटलाइन हमें दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दे रखे हैं, व्हाइट कलर का आउटलाइन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ इस टूल्स पे जाके डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये करने के बाद क्या करेंगे, हल्का सा इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करके इस बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये बॉर्डर ये पेज के अंदर दब गया, तो क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट पेज अप, ठीक है। और इस क्या करेंगे, इस लाइन का थिकनेस हमको बढ़ाना है तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से थिकनेस बढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। ये बढ़ा दिए, ये थिकनेस ज़्यादा ही हो गया, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कम कर सकते हैं, ठीक है। ये कम करने के बाद ये हमने यहाँ पे ये लाइन ले ली, और भी थोड़ा सा मोटा करना था और भी मोटा कर सकते हैं, ठीक है। 16 करना है 16 कर दीजिए, 20 करना है 20 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये सर के दो फोटो हैं, दो सर हैं, इनका दो फोटो है। क्या किए हुए हैं दोस्तों देख लीजिए, ये हमने क्या किए हुए हैं, ये हम क्या बोलते हैं गूगल पे जाके, ठीक है, और वहाँ पे लिखे BSSC लोगो, ठीक है दोस्तों, वहाँ लिखिएगा आपको आ जाएगा। वहाँ लिखने के बाद क्या किए, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद हमने डायरेक्ट कोरल में इसको ले आए हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ ले आए हैं, कोरल में ले आए हैं। कोरल में लाने के बाद क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिए हैं। ये शिफ्ट करने के बाद क्या किया दोस्तों, सर का फोटो यहाँ पे हमने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। इस लोगो को देखिए एडजस्ट आपको अपने तरीका से करना है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इस फोटो का साइज थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ा देना है, हमने यहाँ बढ़ा दिया। देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, इधर की ओर कर लीजिए, राइट साइड कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कटा हुआ इमेज है इसको एक साथ मिला दे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक टूल से ट्रांसपेरेंसी का नाम है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये मिल जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ मर्ज हुआ दिखेगा दोस्तों, ठीक है। हमें यहाँ मिला दिए, अभी नहीं मिला रही है, क्यों नहीं मिला रहे हैं दोस्त, क्योंकि इसको लास्ट टाइम मिलाएंगे, क्योंकि नहीं तो अभी जो मिलाएंगे ना सर, तो क्या होता है कि आपका ये फाइल धीरे धीरे हैवी हो जाना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अभी नहीं मिलाना है, बाद में मिलाएंगे दोस्तों, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और दूसरा ये सर है हमारे, इनके पीछे भी ये सेट करना है दोस्तों, यहाँ हमने ये कर दिए और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेट कर दिए।
सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए एसएससी का लोगो है, इसको यहाँ सेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इतना ले लेंगे, इसमें वाइट कलर फिल कर देंगे और क्या करना है कि ऑल्ट सी डब्ल्यू पी क्लिक करके और इसको क्या करेंगे दोस्तों, पेज के अंदर सेट वो कर देंगे, पावर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे और पावर क्लिक फिनिश कर देंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एसएससी का जो लोगो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, ये नेट पे जाएगा, आप लिखेगा एसएससी लोगो, आपको लोगो आ जाएगा और इसमें क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, ये सेट कर दिए। ये सेट करने के बाद क्या करना है, ये बिहार एसएससी का ये कितने पदों के लिए है दोस्तों, वैकेंसी 12,199 सीट के लिए वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों, इनका स्पेशल कास्ट शुरू होने जा रही है, ठीक है। अगर इस एरिया का जो भी बंदा अगर जाके वहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है छात्र छात्राएं हैं, अगर वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों, ये सेफ हमको बनाना है, क्या करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ये रेक्टेंगल ले लेंगे और क्या करेंगे तो F10 प्रेस करेंगे और ये टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ये नोट्स और ये नोट्स को पकड़ के हल्का सा इसको घुमा रोटेट कर देना है, ठीक है दोस्तों, घुमा देना है। ये घुमाने के बाद क्या करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे, ये यहाँ से ये कलर फिल कर दिए, जरूरी नहीं ये करना, हम थोड़ा सा लाइट कलर भी ले सकते हैं, यहाँ से ये कलर ले लीजिए, अगर ये F11 प्रेस कीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको हल्का सा ये कर दीजिए ऊपर की ओर, तो इसको ये यूँ ले आइए, इसमें 90 कर दीजिए, 90 में क्या होगा स्ट्रेट रोटेट होगा दोस्तों, ठीक है, और इस कलर का परसेंटेज और भी कम कर सकते हैं आप, 40 है तो इसको 20 कर लीजिए और ओके कर लीजिए, ये भी ओके, ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद क्या लिखना है, बिहार SSC, ये हमने टाइप कर रखे दोस्तों, टाइप करके यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सेट कर देना है, हमने यहाँ सेट कर दिया, इसको शिफ्ट पेज अप करेंगे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये अब ये टाइप करना है, 12,199 सीटें, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप टाइप कर लीजिए 12,199 सीटें, यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों सेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद क्या करेंगे कि ये देख लीजिए, एक लेटर्स क्या है हमारा नीचे की ओर दब गया, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप करेंगे दोस्तों, ठीक है, हमने यहाँ से शिफ्ट पेज अप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाइए और ये एक टूल्स लेके यहाँ पे एक ऐसे करके कलर घेर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये हमने घेर दिया यहाँ पे, ये घेरने के बाद इसमें कलर फिल कर देंगे, यहाँ से जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा इसमें, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही कलर फिल करना, ये भी आप कर सकते हैं, इसको और भी डार्क कर सकते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे, ओके कर दिए। ये करने के बाद इसमें क्या लिखना है हमको, स्पेशल बैच का डेट अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, ये सर का नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, सर कितने बजे से और कब से बैच शुरू है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप जा पूछ लीजिएगा, नंबर भी दे दिए हुए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल बैच, यहाँ पे क्या करना है हमको, सेट कर देना है, ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अगर इसमें नहीं आप कहिएगा कि रेड कलर ही हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप रेड कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, हमने ये कर दिया। इसके बाद क्या किए हुए हैं कि ये लिखे हुए हैं सर, ये हमने ये सेट बनाए हुए, ये कैसे बनाते दोस्तों, ये पहले देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें वाइट कलर फिल करेंगे, इससे आउटलाइन को नन कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये मिलाने के बाद इसको यहाँ भी कर देंगे, इसको ऐसे करके क्या करना दोस्तों, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। और ये लिखे हुए क्या लिखे हुए दोस्तों, स्टार शिक्षकों के द्वारा BSSC की तैयारी करें, ठीक है, कौन कौन सा स्टार टीचर्स है दोस्तों, ये देख लीजिए आपके सामने, ये चार टीचर्स हैं, ये हमारे एरिया के जाने पहचान टीचर्स में से माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, अब एक बार जाके वहाँ पढ़िए, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है दोस्तों BSSC का, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे ये बैच स्टार्ट अभी नहीं हुए मेरे हिसाब से, एक बार टीचर से सर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इनसे पूछ लीजिए कब से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों बैच, ठीक है, हमने यहाँ सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद क्या करेंगे, ये चार टीचर्स का क्या करना है हमको दोस्तों, नाम लिखना है, इसको कैसे बनाए, इसमें देखिए दोस्तों टाइपिंग करना वेरी सिंपल है, ये सेट बनाना आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, क्या करना है,
इसमें कलर फिल कर लेंगे। ये करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये टूल सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों ये टूल सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद एक नोट्स को पकड़ के चारों ओर के एरिया से घुमा देंगे, ठीक है। ये घुमाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गए और इसमें रेड कलर फिल कर दिए, और Alt C W P क्या करें पी कर दिया, उसको यहाँ से फिल कर दिए, ठीक है। पावर क्लिप हो गया। ये होने के बाद एक और पावर क्लिप करना है, इसको कलर चेंज कर देना है इसका, ठीक है। और एक और है जो यहाँ पे, ये देख लीजिए दोस्तों, ये पावर क्लिप जो फिनिश की है, इसमें ये हमने कलर का ये सेट मारे हुए, क्या करेंगे F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या करना दोस्तों, ये कलर सेट कर लेंगे, और इसको ये क्या करना -90 डिग्री पर घुमा देना है इसको, ठीक है, हमने घुमा दिए। और एक में लिखा हुआ है मैथ, यहाँ मैथ लिख दीजिए, मैथ कौन पढ़ाएंगे दोस्तों, ये यहाँ पे बाय लिख दीजिए, शिफ्ट पेज अप कर दीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए, और रात सर लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर दिए, ये कर दिए, ये यहाँ पे हमने एक सेट कर दिए। ये सेट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, ये सेट करने के बाद एक कॉपी कर लिए, फिर इसको आप क्या करना दोस्तों, यहाँ से एक कॉपी कर लेना है, फिर इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के और भी कॉपी कर दीजिए, जितना कॉपी करना, जितने टीचर्स रहेंगे उतना कॉपी करके कर उसमें नाम लिखते चला जाना है, ठीक है दोस्तों। वेरी सिंपल, आप इसको करके देखिए, ये आपके लिए टास्क रहा, ये आप करके देखिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो दोस्तों आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, या पेस्ट नहीं हो पा रहा है, या हम लिख नहीं पा रहे हैं, दोस्तों आप यही चेक पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, चारों सर का नाम हमने टाइप कर चुके हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमने सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद क्या हुआ, एक तरीके से बैनर आपका फाइनल हो चुका है। अब थोड़ा सा लिखना है, और ये देख लीजिए, ये यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक सेट बना लिए, ठीक है। ये कलर ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर लिए, ये फाउंडर में जाके इसको हम यहाँ कर देंगे, ऑटोमेटिक वहाँ कलर फिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने फिल कर दिए, इसको थोड़ा सा और सेट बना दीजिए, ओके कर दीजिए, इसको क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, कर दिया हमने, ठीक है। इसको क्या करना है, Alt+C+W हम पावर क्लिप क्यों करते हैं दोस्तों, देख लीजिए ये क्या लग रहा है कि इस लाइन के ऊपर ये चढ़ा हुआ लग रहा है, और पावर क्लिप करेंगे वो हट जाएगा। डिजाइनिंग में छोटा छोटा चीज़ देखा जाता है, इससे क्या होता है दोस्तों, आपका डिजाइन फिनिश होता है, समझे कि नहीं, फिनिशिंग दिखता है, और कस्टमर आपके पास रुकेंगे दोस्तों, ठीक है। हम पावर क्लिप हर एक जगह क्यों मारते हैं, क्योंकि इसीलिए मारते हैं, क्योंकि मेरा डिजाइन ना इधर उधर ना निकला रहे, ठीक है दोस्तों। पावर क्लिप मारने का शॉर्टकट कमांड है Alt+C+W+P, ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है। इसको क्या करना है दोस्तों, नीचे ले आना है, क्या करना है, नीचे ले आना है, और यहाँ सेट कर देना है, ठीक है, और यहाँ से फिनिश कर देना है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, किसी से दिल लगा के प्यार करने से अच्छा है, देखिए दोस्तों, सर ने एक अपने हिसाब से एक शायरी शायरी लिखे हैं, लिखा हुआ है, किसी से दिल लगा के प्यार करने से अच्छा है दिमाग लगा कर अपने सपनों को पूरा करना, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, किसी से दिल लगा के प्यार करने से अच्छा है दिमाग लगा कर अपने सपनों को पूरा करें। सपने को पूरा करने का मतलब है कि सर का क्लास ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और आपके अंदर जो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है उसको साकार कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ हमने क्लिक कर दिए, इसको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, टैप करके हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। ये एड्रेस है सर का, कहाँ पढ़ाते हैं, ये देख लीजिए, बौका चौक से पूरा ब्राह्मण टोली भरवा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, लिख के और यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस एरिया का बच्चा है दोस्तों, एक बार कॉन्टेक्ट करके आप एक बार पढ़ के देखिए, डेमो क्लास 2-4 दिन का शायद मेरे हिसाब से फ्री है। एक बार आप सर का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ले दोस्तों, इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप पढ़ने के बाद सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, आप वहाँ पे जाइए एक बार पढ़िए। ये हमने क्या किया दोस्तों, इनका बैनर तैयार हो गया, ठीक है, ये बैनर तैयार हमने कर दिए। अगर इस बैनर को बनाते वक्त अगर थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हो तो दोस्तों आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गए थे कि ये क्या है, कि इन पिक्चर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल मारना है दोस्तों, वेरी सिंपल है, आप अपने से खुद से ही मार सकते, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसमें। हम बताए थे यहाँ से एक ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको पकड़िए और क्या करना है, ऐसे करके हम मार के ही दिखा देते हैं, आप कहिएगा कि सर मारे नहीं। वैसे हम आपको बताए थे, अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा ये हम बता देते ट्रांसपेरेंसी टूल कैसे मारा जाता है दोस्तों, ठीक है। शिफ्ट पेज यहाँ गए और इसको क्या करना दोस्तों, ऐसे करके मर्ज कर दिए, कर दिए, देख लीजिए मर्ज हो गया। सेम फंडा इसको अपनाना है और इस सर पे भी ऐसे करके
मार देना है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, कहते हैं इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी शुरू में नहीं मारते हैं, क्योंकि अगर डिजाइन जल्दी बनाना है तो उस चीज़ के वो बाद में प्रयोग कीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मारने से थोड़ा सा फाइल हैवी हो जाता है और डिजाइन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है दोस्तों, ठीक है। ये आपका फ्लेक्स बन